गाइस, तो बेसिकली आ गया और ऊपर मैं अपना मैं इसलिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आज मैं पकड़ने वाला हुआ था वो ऊपर था, तो अभी इसको आ गया और सुपर व्लॉग मैं नहीं कर पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि करूँगा रोज स्टार्टिंग में स्कूल जाने से पहले, पर फिर नहीं होता है क्योंकि एक तो तैयार भी होना होता है, मैं लेट भी उठता हूँ क्योंकि 7 बजे जाना होता है और 6:30 बजे उठता हूँ, फिर जल्दी तैयार होना होता है, नाश्ता करना होता है, फिर ब्रश वो सब होता है, उसमें भी तो भी लेट हो जाता होता है। तब सोच कि ये ब्लॉगिंग करूँगा तो कितना लेट होगा, इसलिए वो सुबह सुबह तो नहीं कर पाता, पर स्कूल के आने के बाद कर पा ले। तो अभी तो 2:45 हो रहे और मैं जो खाना खाना था वो खा लिया। अभी आपको फिर भी बताता हूँ कि खाने में क्या था। और हाँ, और एक जो मेन बात थी हमारे लास्ट ब्लॉग के वीडियो में, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, लास्ट में मैं आपको कहने वाला था, पर हमारा दिमाग आप देख रहे हो कितना भूल ही गया कि वो बताना था, और ब्लॉग में वो भी नहीं कर पाया कि बाय कहना होता है, वो सब कल भूल ही गया था बिल्कुल, क्योंकि तो इतने दिनों बाद ब्लॉग किए तब सब मतलब समझ सकते हो कितना आदमी काम होता है वो भूल जाता है जैसा ना। तो वो ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि वो बाहर जाना था और वो सब था और एडिट भी नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए लैपटॉप भी हैंग हो रहा था और वो सब था, इसलिए वो 1-2 दिन वो फ्राइडे से वनडे तक के व्लॉग्स नहीं डाले। फ्राइडे को एक बनाया था वो अभी भी है, पर वो डाल नहीं सकता डेली व्लॉग में क्योंकि डेली व्लॉग में अगर वो डालूंगा तो ये सब व्लॉग्स रह जाएंगे और उस एक व्लॉग की वजह से हम अपने ये सारे व्लॉग्स को बंद नहीं कर सकते, इसलिए ये सब है। और हाँ, मैंने अभी एक बात नोटिस की, मेरा जो हाथ वो ऐसे 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 हिलता था वो भी ज़्यादा नहीं हिलता है, ज़्यादा नहीं हिलता कम। अब देख रहे हो ब्लॉगिंग कितनी अच्छी हो गई है मेरी, आप देख सकते हो यार मेरी ब्लॉगिंग कितनी अच्छी हो गई है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ओके, तो ये पूरा हमारा जो लास्ट व्लॉग में दिखाया था वो है, तो इधर मैं नहीं दिखा पाया था, पर इधर मैंने टेक्सबुक रख दी है, उधर फाइल्स है सब ट्यूशन की, स्कूल की, और स्केच पेन वो बॉक्स में है, वो चॉकलेट वाला बॉक्स था सफारी चॉको, पर उसमें चॉकलेट था नहीं, पर स्केच पेन रख दी है अभी, और ये रामदार प्रिकर भी कह सकते हो वो, ये पर मेरा कहा जा रहा है इधर, ये इस दोनों बॉक्स में स्केच भर गया, हाँ अभी आ गया, इसमें प्रिकर स्केच पेन पेन सब कुछ इन दोनों बॉक्स में भी है। इधर मैंने नोटबुक्स रख दी है इसके नीचे, तो ये मेरी ड्राइंग बुक, चलो देखते हैं हमारी ड्राइंग्स कैसे है। ये पहला ड्राइंग है मेरे राजस्थान के, वो कुछ पुतले आते हैं ना उसका था, फिर ये कभी कम्प्लीट हुआ नहीं, फिर ये माता जी का था ये भी कम्प्लीट नहीं हुआ, ये फिर से ट्राई किया था पर ये भी नहीं हुआ, फिर ये गणपति बोले थे बहुत अच्छे हैं। इधर मैं होली का नहीं पर दिवाली का छोड़ में मिला था ड्राइंग करने को, वो कर रहा था पर ये भी कम्प्लीट नहीं हुआ, सब में कलर तो नहीं हुआ किसी में भी कलर नहीं क्या, और ये फाइनल ड्राइंग जिसमें ये सब कुछ था, फूल थे ये बर्ड्स थे और इधर का ये सब था, तो ये मटर पनीर का शाक था, और अभी फ्लैश लाइट ही मैंने चालू रखी है, वो रूम की लाइट अभी मतलब डाइनिंग टेबल की जो लाइट है वो नहीं चलती है, और डाइनिंग हॉल सॉरी, और ये मटर पनीर की सब्जी है, पनीर की सब्जी पंजाबी गर्म पनीर बनाई है, हाँ और उसके साथ वो पराठे और ये था और छाछ भी थी उसके साथ, तो ये 1-2-3-4 ऐसी चीज़ें थी खाने, तो अभी मैं जल्दी नहाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी 3 बज गए और ट्यूशन का आप तो पता ही है 4 बजे मुझे जाना होता है, और हाँ ट्यूशन को आज मुझे फॉर्म भी देना है कि टेंथ में मुझे ट्यूशन रखना है या नहीं रखना है, पर टेंथ में ट्यूशन रखना ही है। ओके गाइस, तो अभी हम ट्यूशन से आ गया हूँ, तब इधर सब कुछ दिख रहा होगा कि सब कुछ ऐसे क्यों पड़ा है, तो ये सब ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको अपनी मतलब उनकी जगह मतलब रखना है ऐसा ही समझ लो, क्योंकि वो गोठों ने मतलब गुजराती में बोलते हैं कि गोठवाना छे ऐसा बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे, मुझे गुजराती ही मैं याद आ रही है, तो ये सब करना है। और अभी मैं 6 नहीं पर 6:30 बजना है ट्यूशन से, मैं 6:15 बजे आया, तो अभी ये कर रहा हूँ, उसके बाद हम देखते हैं एडिटिंग करता हूँ या क्या, क्योंकि एडिटिंग तो 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता है ब्लॉग कहीं होता है, इसलिए नहीं तो चैलेंज और वो सब होता है तो 3-4-5 घंटे भी जा सकते हैं उसमें, पर ये ब्लॉग में जल्दी हो जाता है, ये अच्छा है ब्लॉग में तो। और हाँ, और मैं उसके बाद 8 बज जाएंगे, तो
फिर खाना खाऊंगा, फिर 8:30 बजेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया था, मतलब पहले के ब्लॉग में बताया हुआ है कि हमारे घर में जल्दी खाना मिल जाता है, इसलिए वो 8 बजे खा लूँगा। और उसके बाद 8:30 मतलब 8:30 को 15 मिनट पर सीधा बुक लिखूंगा या कुछ होमवर्क होगा वो 1.5 आवर तक स्टडी करूँगा। उसके बाद आपको पता है 10 बजे चलने जाना होता है, और ये बैकग्राउंड में सब अच्छा शायद आपको आ रही होगी या नहीं पता नहीं, पर 10 बजे चलने जाना है। अगर वो नहीं जाना होगा तो 10 से 10:30 तक, मतलब 10:30 तक पढ़ाई करेंगे, 8:30 से 10:30 तक। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और फिर आखिरकार हम सोने जाएंगे, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ये रूटीन में। ओके गाइस, तो अभी मेरी एडिटिंग थी अपने ब्लॉग 6 की, जिसमें टाइटल था कि मेरी बुक्स आखिरकार आ गई, पैसा ही कुछ था, फाइनली आ गई। तो आप जाके देखो, वो अच्छा लगा या बुरा मुझे नहीं पता, पर आप देखो, आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, ना अच्छा लगे तो कुछ मत करना, डिसलाइक तो बिल्कुल मत करना। तो भी तो ये एडिटिंग कम्प्लीट हो गई, तो स्कूल का भी तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ये बुक्स पूरी करनी और वो सब है। तो ये मुझे दिखाना था, मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं था दिखाऊंगा क्या होगा इसका। तो इधर पहले आ जाते, उधर ब्लर हो जाना था। ये मोदी जी मैंने ड्रॉ किए थे, मोदी जी और बहुत सारे ड्रॉ किए थे मैंने। ये वो हैरी पॉटर ड्रॉ किया था मैंने, ये वो क्रेटोस वो गेम आता था उसके जैसा ट्राई किया था, पर नहीं हुआ क्योंकि इधर से स्टार्ट ही ना वो इसकी डबल हो गया सही। और ये वो अपने पिक्चर आया था एक जिसमें अमिताभ बच्चन का ये लुक था, आप वो सर्च करके देख सकते हो, उसके जैसा बनाने की ट्राई तो की थी, पर पता नहीं बनाया नहीं क्या हुआ इसका। ये भी नहीं, नहीं ये गया, ये वो बहुत मतलब रियल स्केच करने की ट्राई कर रहा था पर नहीं हुआ, पर जैसा हुआ वैसा हुआ। और ये वो ध्वजवंदन के बारे में था, 26 जनवरी के बारे में, वो ये भी है। और ये यूट्यूब पे ऐसे देख के ये करा था, पर मुझे नहीं लगता ये अच्छा बना था क्योंकि इसकी जो नाक है ना वो इतनी बड़ी हो गई थी। और ये अपना चहीता टोनी स्टार्क, और मुझे पता है ये अच्छा नहीं बना क्योंकि ऊपर से ये पहले हिट हुए थे, इसके बाद वो सब अच्छा थोड़ा तो बन गया था, पर फाइनल में ये इसका जो मुंह था वो टेढ़ा हो गया, इधर से डब मोटा हो गया। ये मेरा सबसे रियल मुझे लगता है बना होगा, ये वो रजनीकांत का था रोबोट में, वो ये क्रिस हेम्सवर्थ इधर लिखना पड़ता था पहले तो, क्योंकि कुछ ये रियल नहीं बनते अच्छे। फिर बनते ताजमहल 2 पहले भी ये ठीक रहते इसके, ये क्रिस इवांस को ड्रॉ करने का ट्राई किया था, ये सुशांत सिंह राजपूत का ट्राई किया था। और ये सब मुझे बस ऐसे शौक चढ़ गया था बीच में, ये लॉकडाउन और वो सब हुआ था इसमें, ये शाहरुख खान का ट्राई किया था, फिर नीचे एक और भी है शायद हाँ ये भी ट्राई किया था, मतलब आप देख रहे हो मैं कितना टैलेंटेड हूँ। ये सब ड्रॉ किया था वो बीच में लॉकडाउन हो गया था, उसमें शौक चढ़ गया था कि चलो हम भी ड्राइंग करते हैं, तो कर दिया, पर ये फिर बस छोड़ दिया था। आखिरी मेरा रियल ड्राइंग कुछ हो गया तो रजनीकांत का ही किया था, वो लास्ट ड्राइंग था मेरा शायद, नहीं कब ही था लास्ट, वही किया था लास्ट में, नहीं सॉरी अल्बर्ट आइंस्टाइन का लास्ट में, मैंने सबसे लास्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन का किया था। फिर उसके बाद उसमें भी कोई वो पूरा नहीं किया स्केच वो सब, और बस ऐसे ही पड़े सब। एक गाइस, तो भी मेरा जो होमवर्क था वो तो ख़त्म हो गया, पर अभी 10 बज रहे और अभी ये कल मेरी कंप्यूटर की प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिसमें हमें नोट पैड में जो टैग्स आते हैं वो पूछने वाला है, वो सब है इसलिए उसके लिए कर रहा हूँ लैपटॉप पे। तो ये करके अभी 10 बजे तक नहीं जा पाया आज, क्योंकि आज इतना सारा ये लिखना और ये एग्ज़ाम की तैयारी, क्योंकि कल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है और मैथ्स की एग्ज़ाम भी है, पर मैथ्स में मुझे वो कहते हैं ना ज़्यादा चिंता नहीं, मतलब क्योंकि मैथ्स में वो स्टेटिस्टिक मतलब कैसे खड़ा शास्त्र कहते हैं उसको, स्टेटिस्टिक की एग्ज़ाम है, इसलिए उसमें मुझे ज़्यादा चिंता नहीं, इसलिए अभी ये कर लेता हूँ।